नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में इस हफ्ते से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के केसेस भी तेजी से बढ़े हैं। आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर उनकी आई थी। अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान। महीनों बाद एक बार फिर दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में अब से वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अनिवार्य सेवाओं के अलावा सरकारी दफ्तर के लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। ये फैसले दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए डीडीएमए की बैठक में किए गए। डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4099 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 6.5% है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जाँच कराएं। अरविंद केजरीवाल बीते 5 दिनों से लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे, कभी पंजाब, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी उत्तराखंड। मास्क के बिना वो चुनावी सभाओं में जा रहे थे। इस बीच वो लोगों को कोरोना से बचने की सलाह भी दे रहे थे। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जो पिछले साल अपनी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव होने पर भी नेगेटिव आए थे, इस बार संक्रमित हो गए। वहीं उत्तराखंड में रैलियों की शान बढ़ाने वाले बीजेपी के मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट किया, परसों यानी 2 जनवरी की रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया था। टेस्ट में आज पॉजिटिव आया हूं। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर लिया था। कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना से लड़ाई की तैयारी तेज हो गई है। एम्स में सर्दियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। फैकल्टी के सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वो तत्काल अपनी ड्यूटी पर आ जाएं। दिल्ली में पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, आज तक। आपको याद होगा, कॉर्डेलिया क्रूज कुछ दिन पहले आर्यन खान की वजह से खबरों में था। एक बार फिर से वो खबरों में है। पिछली बार ड्रग्स मामले में इसका नाम आया था। इस बार इस क्रूज पर 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्रूज पर कोरोना विस्फोट के साथ ही हर स्तर पर गंभीर लापरवाही की बात सामने आ रही है। कॉर्डेलिया क्रूज शिप, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही क्रूज है जिस पर समीर वानखेड़े की टीम ने बीते अक्टूबर में रेड किया था और दावा किया था कि यहाँ ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसी जहाज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था। एक बार फिर ये कॉर्डेलिया क्रूज शिप खबरों में है, क्योंकि ये कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। अथॉरिटीज आर नॉट, बट वी आर सीइंग ना कि गोवा अथॉरिटीज नॉट कोऑपरेटिंग एक्चुअली।
जहाज के अंदर ये अफरा तफरी उस समय मची जब यात्रियों को पता चला कि शिप पर 66 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी मांग थी कि उन्हें गोवा में उतरने दिया जाए ताकि वो संक्रमित ना हो, मगर तमाम हंगामे के बावजूद इन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया गया। पॉजिटिव लोगों के साथ ही नेगेटिव यात्रियों को वापस क्रूज में गोवा से मुंबई रवाना कर दिया गया और अब ये क्रूज मुंबई की ओर बढ़ रहा है। जब ये कॉर्डिला क्रूज शिप मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पर आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा? दरअसल बीएमसी ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए चार ऑप्शन रखे हैं। या तो वो अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो शिप के अंदर ही निकाले, अगर असिम्प्टोमेटिक है तो उनको होटल की व्यवस्था की जाएगी, वो होटल में भी शिफ्ट हो सकते हैं, अगर सिम्टम्स है तो वो बाइकल्ला स्थित जो कोविड 19 का जंबो फैसिलिटी है वहां पर भी जा सकते हैं, और जो पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उनको वो अस्पताल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट्स है उसके लिए बीएमसी ने कहा है कि जितने नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं आते उनको शिप में ही रहना पड़ेगा। सुनिए, रविवार को जब ये गोवा पहुंचा था तब कैसे ये खबर मिली थी कि चालक दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। अराउंड 10 o'clock उसका अराइवल था, अराउंड 9 o'clock हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया शिप के डॉक्टर से कि एक क्रू पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट में मिला है। खबर मिलते ही गोवा में शिप को डॉक पर भी नहीं जाने दिया गया, पानी के बीच ही जहाज खड़ा रहा। पीपीई किट पहने मेडिकल टीम के सदस्य जहाज पर पहुंचे और क्रू के साथ ही यात्री समेत सभी 2017 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। कल शाम रिपोर्ट आई तो 6 चालक दल और 60 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जहाज को वापस मुंबई रवाना कर दिया गया। कोडेलिया मैनेजमेंट का दावा है कि कुछ यात्रियों ने वहां अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, जबकि शिप एजेंट का दावा है कि कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें वापस शिप पर सवार कर मुंबई भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि नेगेटिव लोगों के साथ पॉजिटिव यात्रियों को भेजने की लापरवाही गोवा प्रशासन ने क्यों की? इस लापरवाही से क्रूज पर सवार लोगों के रिश्तेदारों की नींद उड़ी हुई है। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में, तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है, तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे, मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। जब महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार है, मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी है, तो फिर 2000 लोगों को एक शिप पर नए साल की मौज मस्ती मनाने की इजाजत क्यों दी गई? कहा जा रहा है कि गोवा पहुंचने पर अधिकारियों ने यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी मगर ये रिपोर्ट उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। तो क्या बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के ही लोगों को शिप पर जाने दिया गया और वो कोरोना हॉटस्पॉट बन गया? सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। देश में कोरोना मीटर तेजी से भाग रहा है और इस बीच बरेली में कांग्रेस ने लड़कियों के मैराथन का आयोजन कर दिया। आयोजन में भगदड़ मच गई जिसमें कई बच्चियां घायल हुई हैं। वहीं सफाई में कांग्रेस वैष्णो देवी की भगदड़ और साजिश के बेतुके बयान दे रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ प्रियंका गांधी ने इन लड़कियों में जोश तो भर दिया मगर इस जोश में आयोजकों का होश खो गया। ये बरेली की तस्वीर है जहां कांग्रेस की ओर से आयोजित लड़कियों के मैराथन में भगदड़ मच गई। कई छात्राएं दब गईं, जान बचाने के लिए लड़कियां एक दूसरे को उठाने में जुटी थी। मैराथन शुरू होते ही कई लड़कियां एक के बाद एक गिर पड़ी। रेस शुरू हो चुकी थी लिहाजा पीछे से आ रही लड़कियों की भीड़ ने आगे खड़ी लड़कियों को कुचलना शुरू कर दिया। इस दौरान चीख पुकार मच गई। कांग्रेस सेवा दल और आयोजकों में शामिल लोग बच्चियों को बचाने के लिए
उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हुजूम इतना जबरदस्त था कि सड़क पर गिरी बच्चियों को बचाना मुश्किल हो रहा था। आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से 3 छात्राओं को अस्पताल भेजा गया। वहीं शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर जांच करने पहुंची। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने इस भगदड़ को न केवल वैष्णो देवी हादसे से जोड़ा बल्कि इसे किसी की साजिश भी करार दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़े। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। कोई बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग थी और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। इस आयोजन में प्रियंका गांधी के आने की बात भी कही जा रही थी, मगर बाद में इससे इनकार कर दिया गया। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बच्चियों के लिए इतनी भीड़ वाला आयोजन किया जहां किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। वहीं जब बच्चियां एक दूसरे पर गिर रही हों, तब सोशल डिस्टेंसिंग कहां रह जाता है। यही नहीं, जब अराजकता फैली तो वहां मौजूद लोग मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट करने पर उतारू हो गए। इसके लिए कांग्रेस नेता ने माफी भी मांगी, मगर इस बद इंतजामी से बच्चियों की जिंदगी को खतरे में डालने से आयोजक बच नहीं सकते। कृष्ण राज, बरेली, आज तक।